महाभारत के महायुद्ध में अभिमन्यु की वीरता और उनके साहस को हमेशा अविस्मरणीय बताया गया है। 16 साल की छोटी उम्र में जिन्होंने युद्ध के बड़े बड़े महारथियों को भी अपने कदम पीछे खींचने पर मजबूर कर दिया, जिनकी वीरता और पराक्रम के आगे कौरवी सेना घुटने टेक गई, ऐसे महान योद्धा के कान में आखिर कर्ण ने आखिरी समय में क्या कहा, आइए जानते हैं। जब जब महाभारत जैसे महायुद्ध की बात की जाती है, एक वीर योद्धा का नाम जरूर आता है। महावीर अभिमन्यु, जिन्होंने इतनी छोटी सी उम्र में गृह क्षेत्र के उस मैदान में अच्छे अच्छे महावीर योद्धाओं को अपने कदम पीछे हटाने पर मजबूर कर दिए। एक तरह से कहते हैं, नियति को जानते हुए भी अपने प्राणों की चिंता ना करने वाला वो एक ऐसा महावीर था जिसका नाम आज भी इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाता है। लेकिन बात जब भी इस घटना की आती है, एक बात का जिक्र भी आता है कि आखिरकार मरते हुए अभिमन्यु के कान में जाकर महावीर कर्ण ने वो कौन सी बात कही थी जिसके बाद अभिमन्यु ने अपने प्राण त्याग दिए थे। दरअसल महाभारत युद्ध का 13वां दिन चल रहा था, जहां कौरवों के सेनापति गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन की गैर मौजूदगी में चक्रव्यूह की रचना की, क्योंकि सभी लोग ये जानते थे कि पांचों पांडवों में चक्रव्यूह की रचना को तोड़ना सिर्फ अर्जुन को ही आता है। ऐसे में जब अर्जुन युद्ध भूमि में मौजूद नहीं है तो आसानी से चक्रव्यूह की रचना करके पांडवों को युद्ध में हराया जा सकता है। लेकिन उनमें से किसी को भी ये अंदाजा नहीं था कि अर्जुन तो वीर है ही, लेकिन उनके पुत्र अभिमन्यु भी किसी से कम नहीं है। युद्ध क्षेत्र में चक्रव्यूह की घोषणा की खबर सुनकर पांडव चिंता मग्न हो गए। ऐसे में अभिमन्यु ने उन्हें ये बताया कि उन्होंने एक बार अपनी माँ के गर्भ में ही इस विधि को पिता के बताए जाने पर सुना था, लेकिन उन्हें सिर्फ 6 दरवाजों को तोड़ने की ही विधि पता थी, क्योंकि 7वें दरवाजे को तोड़ने की विधि सुनते वक्त उनकी माँ सो गई थी, इसीलिए वो आखिरी दरवाजे को तोड़ने की कला नहीं सुन पाए थे। लेकिन फिर भी वो युद्ध क्षेत्र में जाना चाहते हैं और उनका मुकाबला करना चाहते हैं। जिस पर पांडव उन्हें भेजना तो नहीं चाहते थे, लेकिन दूसरा कोई विकल्प ना होने पर साथ में चक्रव्यूह द्वार में प्रवेश करने की शर्त पर आज्ञा दे दी। सबसे आज्ञा लेकर अभिमन्यु चक्रव्यूह के द्वार को भेदते हुए भीतर गए और वहां जाकर गुरु द्रोणाचार्य, कृतवर्मा, कृपाचार्य, कर्ण, दुर्योधन जैसे कई वीर योद्धाओं को भी पराजित कर दिया। इनके द्वारा इतनी बहादुरी की कौरव सेना में किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी। इन्होंने कर्ण को 7 तीर, कृतवर्मा के ऊपर 5 और शकुनी को 21 तीर मारा, और इसी युद्ध में अभिमन्यु और दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण का भी युद्ध हुआ, जिसमें अभिमन्यु ने लक्ष्मण को 1 तीर में ही उनका सर धड़ से अलग कर दिया, जिसे देखकर दुर्योधन आग बबूला हो गए और कर्ण से ये कहा कि हमें कैसे भी करके इसे आज ही मारना है। अभिमन्यु एक वीर योद्धा थे जिसने एक साथ युद्ध के कई महारथियों को हार का मजा चखाया था। द्रोणाचार्य ने भी इस बात का जिक्र कर्ण से किया कि अगर इस बालक को आज पराजित नहीं किया गया तो ये कौरव सेना को ही अस्त व्यस्त कर देगा। जिसके बाद मौके का फायदा उठाकर कर्ण ने जहां एक तरफ अभिमन्यु के धनुष को काट दिया, वहीं दूसरी तरफ अश्वत्थामा ने रथ के पहिए को काट दिया। एक एक करके युद्ध के महारथियों ने 16 साल के अभिमन्यु पर अनगिनत प्रहार किए, लेकिन इसके बावजूद भी अभिमन्यु एक असल योद्धा था जिसने ऐसे मुश्किल हालातों में भी अपने प्राणों की चिंता नहीं की और सारे अस्त्र शस्त्र नष्ट हो जाने के बाद रथ के पहिए से ही युद्ध करना शुरू कर दिया। लेकिन कर्ण ने यहां उन्हें धराशायी कर दिया और उन्हें अपने पास खींचते हुए बोला, हे महान योद्धा, तुम्हारा ये पराक्रम अतुलनीय है। मेरा मुकाबला हमेशा अर्जुन से रहा है कि हम दोनों में से श्रेष्ठ धनुर्धर कौन है, लेकिन आज तुमने हमसे वो अधिकार छीन लिया। अब इतिहास में हमेशा इस बात का जिक्र किया जाएगा कि कई महारथियों ने मिलकर एक अकेले बालक को युद्ध में मार दिया। हमें माफ करना पुत्र, तुम अब इस माया रूपी संसार को छोड़कर स्वर्ग में जाओ। तुम एक महान योद्धा थे जिसका नाम इतिहास में हमेशा अमर रहेगा। जिसके बाद अभिमन्यु वीरगति को प्राप्त हुए। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। साथ ही साथ आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल धर्म मिस्ट्री को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारे द्वारा अपलोड की गई सभी वीडियोस आप तक पहुंच सकें सबसे पहले। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।